Myself Bhupendra Singh Shekhawat, and I am in charge in IPD AIMS Jodhpur medical field. मेरे दोनों बच्चे दिया बिरला में लास्ट टू ईयर्स से पढ़ रहे हैं, ये तीसरा साल है इनका यहाँ पे, और हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं बीआर बिरला के साथ. और बच्चों में अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा ये सीख रहे हैं. किड्स स्कूल में थे यहाँ आने से पहले, मेन स्कूल मैंने यही ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा ये सीख रहे हैं. कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे साथ में होती हैं. स्पिरिचुअली भी, मतलब एक हम एक हेल्थ की जो एक डेफिनेशन लेते हैं कि मेंटली स्पिरिचुअली फिजिकली सोशली व्यक्ति हेल्दी होना चाहिए. केवल अपन ऐसा नहीं कि अपन फिजिकली हेल्दी हों. तो मैं देख रहा हूँ कि बीआर बिरला में ये हेल्थ के जो चारों पांचों एस्पेक्ट्स हैं ये बिल्कुल बच्चों को डेवलप किए जा रहे हैं, फुलफिल किए जा रहे हैं. बच्चे फिजिकल तो ठीक है, हम ध्यान रखते हैं, स्कूल भी न्यूट्रिशन की पूरी वैल्यूज का ध्यान रखता है. फ्रूट्स वगैरह इसमें टिफिन में पहले मंगवाए जाते हैं, सेकेंड टिफिन इनका लंच जो होता है वो मंगवाया जाता है. दिस इज गुड थिंग कि बच्चों को एंटीऑक्सीडेंट्स से रिलेटेड फ्रूट्स मिल जाते हैं. दूसरा, स्कूल में इनकी एक्टिविटीज़ पूरी यही बताते हैं, जिस प्रकार से इनको कराटे वगैरह सिखाए जाते हैं, ये खेलते हैं, स्विमिंग्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, वो चीज़ एक्टिविटीज़ अच्छी हैं. और स्पिरिचुअली भी यहाँ पे कल्चर जो फेस्टिवल्स हैं अपने वो मनवाए जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को एक स्पेशली भी ग्रैंड पेरेंट्स डे मनवाया गया, वो एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को समझे, साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स को समझे. आजकल ऐसा हो गया कि फैमिली बहुत न्यूक्लियर होती जा रही है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारे दादा दादी कहाँ हैं या क्या, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं कई बार. पर जब स्कूल में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी इस चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं. तो हम पूरी तरह सेटिस्फाई हम चाहते हैं कि बीआर बिरला कीप इट अप रखें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जहाँ भी जिन फील्ड में हो सकता है.